ग्वालियर के मुरार इलाके में एटीएम बूथ के अंदर घुसकर मशीन से चोरी और इसके बाद मशीन में आग लगाने का मामला सामने आया है। चोर इतना शातिर था कि वह मुंह पर कपड़ा बांध कर आया था और एटीएम बूथ में घुसते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे किया जिससे कुछ भी रिकॉर्ड ना हो सके, फिर मशीन काटी, रुपए चोरी किए और उसमें आग लगा दी। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को तब लगी जब एटीएम बंद होने पर सुधारने के लिए कर्मचारी वहां पहुंचे। पुलिस फिलहाल मामले की विवेचना कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। टीम गई थी रात्रि में मुरार में, फिर सुबह भी घटनास्थल का परीक्षण किया गया तो उसमें ये देखा कि एटीएम कटा हुआ है और उसमें से वो एटीएम काट कर ले गए हैं। तो फिर सीसीटीवी कैमरे भी देखे, फुटेज देखे तो उसमें भी चीज़ें क्लियर हुई। उसमें मतलब जो कवर्ड चेहरा कवर किए हुए वो लोग एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि एटीएम काट रहा है। उसमें ये भी पता चला है कि एक फोर व्हीलर गाड़ी आई है और फोर व्हीलर गाड़ी भी आइडेंटिफाइड हुई है। फिलहाल थाना मुरार में केस रजिस्टर कर दिया गया है एटीएम का।